नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों हुई राजनीतिक घटनाक्रम पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि भाड़े के टट्टू लाकर हम लोगों के सामने खड़ा किया जा रहा है, हम लोग भी करेंगे, ये सारा तमाशा दिल्ली से हो रहा है। इससे पहले उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले को लेकर संजय राउत ने कहा था कि दिल्ली के अहमद शाह अब्दाली ने हमारे खिलाफ सुपारी दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है, मर्द हो तो सामने आकर हमला करो, डरते क्यों हो। मुख्यमंत्री गुंडागर्दी की बात करते हैं, बता दें कि ठाणे में उद्धव ठाकरे की सभा स्थल पर मनसे कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। दरअसल बीते दिनों जब राज ठाकरे महाराष्ट्र दौरे पर थे तो शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर सुपारी फेंकी थी। इसके बाद बदला लेने के लिए राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर फेंका। वहीं मनसे की महिला कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे को काफिले पर चूड़ियां फेंकी। वहीं उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला किए जाने के बाद राज ठाकरे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, कल ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर जो मेरे कार्यकर्ताओं ने हमला किया वो गुस्से के कारण हुआ। मेरे नवनिर्माण यात्रा के दौरान कई लोगों ने मुझे जानबूझकर परेशान करने का प्रयास किया। इसकी शुरुआत धारा शिव जल्ले से की गई है। प्रदर्शनकारियों ने मराठा आरक्षण के नाम विरोध किया, लेकिन बाद में पता चला कि विरोध कर रहे लोगों का मराठा आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। बाद में सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि प्रदर्शनकारी शरद पवार और उद्धव ठाकरे से जुड़े हुए लोग हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।